देखिए आपके सामने नई टाइड स्टार्टिंग कर रहे हैं। टाइड नंबर 8, घड़ी में दर्पण वाले पर्सन। जैसे कि घड़ी में दर्पण वाले पर्सन आते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनमें से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं ए, कि जब घड़ी लंबवत, जिसको हम वर्टिकल कहते हैं, कि जब घड़ी लंबवत की स्थिति में हो, तो इसमें हमारे सामने दो स्थिति आती है। यदि घड़ी में दिया गया समय 1 से 11 बजे तक हो, देखिए जब घड़ी में दिया गया समय 1 से 11 बजे तक हो तो हम दिए गए समय को 11:60 में से घटाते हैं और तब हम समय ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि जब घड़ी में दिया गया समय, क्वेश्चन के अंदर जब दिया गया समय 1 से 11 बजे के बीच हो तो 11:60 में से दिया गया समय घटाकर हम आंसर प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी स्थिति होगी जब घड़ी में दिया गया समय 11 से 1 बजे के बीच का हो या 11 से 1 बजे तक हो, तब दिया गया समय 23:60 में से घटाकर हम आंसर प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार टाइप 2 इसमें आती है, यहाँ पर जल दर्पण, जिसको हम क्षैतिज दर्पण भी कहते हैं या होरिजोनटल, इनमें घड़ी का समय देखना होता है। तो देखिए जल दर्पण वाले क्वेश्चनों में भी हम जब घड़ी वाले क्वेश्चन हल करते हैं तो इसमें हम दिया गया समय 18:30 में से घटा देते हैं। तो देखिए जल दर्पण वाले क्वेश्चनों में दिया गया समय 18:30 में से घटाकर आंसर प्राप्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अब हम इनके क्वेश्चनों को बारी बारी करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी घड़ी में 10:15 का समय है तो दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम दिया गया समय देखते हैं कि दिया गया समय किस समय के अंतर्गत आता है। जैसे कि दिया गया समय 1 से 11 बजे तक के बीच आता है, 1 से 11 बजे तक के बीच आता है, तो हम 11:60 में से दिया गया समय घटाकर आंसर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर 11:60 में से दिया गया समय 10:15 घटाते हैं तब हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 60 में से 15 घटाएंगे 45, और 11 में से 10 घटाएंगे 1, तो 1:45 का समय प्रतीत होगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1:45। बहुत ही अच्छा और खतरनाक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घड़ी में दिया गया समय 6:15 का है, तो यह समय देखते हैं 1 से 11 बजे के बीच आता है। देखिए 1 से 11 बजे के बीच आता है तब हम 11:60 में से दिया गया समय घटा देंगे और तब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए 6:15 का समय 11:60 में से घटा दिया जाता है, 60 में से 15 घटाएंगे 45, 11 में से 6 घटाएंगे 5, 5:45। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 5:45, ऑप्शन सी। तो सामने रखे दर्पण में समय दिखाई देगा 5:45। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, घड़ी का समय 11:15 है तो प्रतिबिंब समय बताओ। जैसे कि मैंने बताया था, यदि दिया गया समय 11 से 1 बजे के बीच आ जाए तो 23:60 में से दिया गया समय घटा देते हैं। तो देखिए 11:15 को 23:60 में से हम घटा देंगे। देखिए 23:60 में से दिया गया समय 11:15 को घटा देंगे तब हमें प्रतिबिंब समय दिखाई देगा। 60 में से 15 घटाएंगे 45, 23 में से 11 घटाएंगे 12, तो देखिए 12:45 का समय दिखाई देगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 12:45।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर चार हमारा जल दर्पण वाला क्वेश्चन है, और जल दर्पण वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि 18:30 में से दिया गया समय घटा दिया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, आप ध्यान रखना। मैंने नोट्स भी करा दिया है कि जल दर्पण वाले क्वेश्चनों में दिया गया समय 18:30 में से घटा दिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चार, घड़ी में 8:20 का समय है तो किसी क्षैतिज दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो देखिए क्षैतिज दर्पण या जल दर्पण वाला क्वेश्चन हो तो उसमें 18:30 में से दिया गया समय 8:20 घटा देंगे, 30 में से 20 घटाया 10 मिनट, 18 में से 8 घटाया 10, तो देखिए 10:10 दिखाई देगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 10:10।